हेलो फ्रेंड्स, स्वागत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र पर। हमारी यूजीसी नेट पेपर वन की सीरीज में ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में आप लोगों ने डीआई के कुछ क्वेश्चन देखे, हमने कुछ बैच ऑफ क्वेश्चन वहां पर डिस्कस किए थे, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन डीआई से देखने वाले हैं और फिर कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके लिए इस क्लास रहेगी जैसे कि पिछली क्लास थी। तो बेटा शुरू करते हैं, आपके पहला क्वेश्चन है, पहले जरा पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर, ये किस तरह के क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे को कि गिवन बिलो इज अ टेबल हैविंग द नंबर ऑफ एथलीट्स हु पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट्स इवेंट फ्रॉम फोर डिफरेंट कंट्रीज। तो चार डिफरेंट कंट्रीज हैं, ए बी सी डी, ये आपको यहाँ दे रखी, और इनमें से जो पार्टिसिपेंट्स हैं किस ईयर कितने पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और आपको जो पार्टिसिपेंट्स का नंबर है वो उनके जेंडर के हिसाब से दे रखा है। जो मेल है वो 3.6 है, फीमेल है वो 3.2 है, और ध्यान रहे ये हंड्रेड्स में लिखा हुआ है, जैसे कि मतलब अगर यहाँ पे 3.6 लिखा हुआ है तो ये एक्चुअली में 3.6 × 100 है, यानी कि 360। ठीक है, तो ये हमारा मेन डेटा है। अब इस डेटा के हिसाब से अगर आगे बढ़े तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन हमारा ये बनता है, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल एथलीट्स ड्यूरिंग 16 to 20। तो 16 से 20 तक किस कंट्री ए बी सी और डी में से जो फीमेल एथलीट्स हैं वो हाईएस्ट रहे, किस ईयर में फीमेल एथलीट्स जो है वो हाईएस्ट रहे। अच्छा, तो सॉरी, किस कंट्री में जो फीमेल एथलीट्स हैं वो हायर रहे, तो फिर देखते हैं ना हमारे पास क्या है ऐसा। तो जो हमारी फर्स्ट कंट्री ए है उसमें जो हमारे पास फीमेल्स हैं वो कितने हैं उसको देखते हैं पहले। आप इनको ऐड कर लीजिए, यहां पर इसे ऐड कर लीजिए, यहां पर इसे ऐड कर लीजिए, और यहां पर इसे ऐड कर लीजिए, तो हमें कंट्रीज का जो टोटल है वो मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन में ये जो पहले ही क्वेश्चन में इन लोगों ने ये सवाल हमसे कर लिया कि किसमें हाईएस्ट एथलीट्स हैं, इससे ये हुआ कि हमें जो ऐड करना है वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, इसमें हम इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट ईयर्स है यानी कि 16 से लेकर 20 तक हर कंट्री में जो फीमेल एथलीट्स हैं उनके नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, पहले ए की बात करते हैं और 3.2 और 2.9 ये सब हम ऐड करना शुरू करते हैं। तो जल्दी से ऐड कर लेते हैं, 18, 20, 25, 257, 10 और 20, पॉइंट का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बी कंट्री पे आते हैं, आपका 20.1 आ रहा है। एफ कंट्री में हमारे पास और लास्ट है हमारे पास तो आप यहां से देख सकते हैं जो हाईएस्ट है वो हमारे लिए जो कंट्री ए है वो आ रहा है, इसका आंसर है, इसका जो नंबर है वो 2.21.1 है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, जिसमें हमें कंट्री ए जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट करवा रही है, और अगर लिस्ट कोई पूछ तो हमारा आंसर जो है वो सी होता, वहां सिर्फ 11.2 ही रह गए। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा हुआ है विच कंट्री हैज मिनिमम नंबर ऑफ मेल एथलीट्स, किस कंट्री में सबसे कम मेल एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ मेल एथलीट्स जो है वो कम नहीं हो सकते, काफी बड़े नंबर्स लिखे हैं, 5.6, 4.8, 6.4, बट यहाँ पर हो सकता है, इसको हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए ये भी नंबर्स काफी ज्यादा हैं, इसको भी हम ऐड नहीं करने वाले हैं, और ये भी काफी परेशान कर सकता है अगर देखा जाए तो, बिकॉज 6, 8, 5, 4, 3। तो बेटा इसका आंसर सी ही है, करने की जरूरत नहीं, ठीक है, इसका आंसर सी है, करने की जरूरत ही नहीं है, देखकर ही मालूम पड़ रहा है नंबर्स को कि सबसे कम एथलीट जो है मेल जो है वो कहाँ, कौन सी कंट्री से आए हैं, वो सी से आए हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमसे क्या है, चलिए अब अगला सवाल जो है वो डीआई से नहीं
कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास। अब ये क्वेश्चंस क्या है बेटा, यहाँ पर आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ अलग लगेंगे, तो अब ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, आपको टॉपिक्स तो पता ही है। तो पहला सवाल लेते हैं, ये हमसे सवाल ये करता है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अच्छा, तो इस सीक्वेंस को अगर देखा जाए, 1, 2, 4, 8 एंड सो ऑन और 4096, आप इसको नॉर्मली ऑब्जर्व करें तो ये एक्चुअली में 2^0, 2^1, 2^2, देन 3, और ऐसे करते करते ये 2^ समथिंग यहाँ पर देने वाला है। अच्छा, तो फिर करा क्या जाए? तो करना यहाँ पर आपको इतना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा कोई मेथड या कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं दूंगा, सिंपल लॉजिकली इसको सॉल्व कर देंगे। आप एक काम कर लीजिए, बस आप यहाँ पर 4096 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए, आप यहाँ पर 4096 को प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। तो आप किससे करेंगे? आप इसको 2 से करेंगे, चलिए इसको 2 से करके देख लेते हैं, बट बेटर रहेगा कि मैं इसको 2 से ना करें, किसी बड़े नंबर से करूं, बट फिर भी 2 से ही स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से करते हैं तो ये 2048 आता है और ये 1024 आता है यहाँ, और 2 से करोगे तो 512 आएगा, और 2 से करोगे तो 256 आएगा, और 2 से कर दोगे तो ये आपका 128 आ जाएगा, एक और 2 ले लोगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, एक और 2 ले लोगे तो यहाँ पर 32, और ऐसे करते करते आपको सारे के सारे सिर्फ 2s ही मिलने वाले हैं। तो देखिए कितने 2 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसका मतलब यहाँ पर 12 आने वाला है। तो टर्म्स कितनी होंगी, आप यहाँ पे देखिए, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 12 तक जा रहे हैं, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 12 टर्म तो यहाँ से लेके यहाँ तो 12 टर्म हो ही गई, और ये 0 वाला ऐड किया तो 13 टर्म्स हो जाती है, तो इसका आंसर है 13। ठीक है, वैसे इसका एक और मेथड होता है जहाँ पर हम इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट है तो हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। अगले सवाल पे आते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। आपको यहाँ पर कई सारे रूट्स दिए हुए हैं, एक अंडर रूट लगाया 5 लिख दिया, एक और अंडर रूट लगाया एक और 5 लिख दिया, एक और अंडर रूट लगाया एक और 5 लिख दिया, एक और अंडर रूट लगाया एक और 5 लिख दिया यहाँ पर, और ये इनफाइनाइट टाइम से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो करना क्या है? करना ये है कि यहाँ पर इस पूरे ही एक्सप्रेशन को y सपोज कर लेते हैं, हम इस पूरे ही एक्सप्रेशन को y सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये रूट 5 है ये इनफाइनाइट टाइम्स है ना, ये तो लिखा हुआ है कि ये जो 5 है रूट के अंदर ये इनफाइनाइट टाइम्स है। इनफाइनाइट में इतने नंबर्स, इतने बार ये रूट्स पे लिखा होगा कि अगर मैं उसमें से 2-4 ऊपर नीचे भी कर दूं तो ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यहाँ पे 2-4 ऊपर नीचे नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 1 ऊपर नीचे करने वाले हैं। 1 ऊपर नीचे करने का मतलब क्या है, मैं कहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से देखिए कि इतने पार्ट को मैं अलग कर रहा हूँ, ठीक है, इतने पार्ट को मैं अलग कर रहा हूँ। अच्छा, अलग कर रहा हूँ का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मैं इसको छोड़ के जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है ये भी तो हमारा यही वाला एक्सप्रेशन है, ये इनफाइनाइट जाएगा, तो इसको मैं y सपोज कर ले रहा हूँ, मैं इसको y सपोज कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है एक्चुअली में यही है जो हमारा चल रहा था क्वेश्चन, ठीक है, उसमें अगर हमने एक इंक्रीज या डिक्रीज किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अभी जो सवाल है वो क्या बन जाता है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5y, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y, दोनों को एक तरफ बुला लीजिए और फैक्टराइज करके कॉमन निकाल के आपको दो आंसर मिलेंगे, या तो y इक्वल्स टू 0 होगा या फिर y -5 = 0 होगा, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा, तो आपका आंसर 5 है। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अब क्या कहता है यहाँ पर, देखिए भाई कि गोपाल क्या कहता है, गोपाल जो है वो किसी एक काम को 3 दिन में कर लेता है जबकि रवि उसी काम करने में 4 दिन लगाता है। देखो इतने से ही हम पहले तो क्वेश्चन को ना पकड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर गोपाल 3 दिन में कर रहा है तो और रवि 4 दिन में कर रहा है, गोपाल ज्यादा एफिशिएंट है, तो
तो हमने यहाँ पे 3 देखा, हमने यहाँ पे 4 देखा। आप क्या करो, 3 और 4 यहाँ पर लिख लो, इनका एलसीएम निकाल लो, 12। तो 12 को अगर देखा जाए, अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, 4 से करूंगा तो 3 आएगा। तो गोपाल पहला कैंडिडेट था, रवि दूसरा। तो गोपाल की एफिशिएंसी 4 है और रवि की एफिशिएंसी 3 है, ठीक है। ये हम इसको क्या करते हैं, इसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, कि कौन कितना ज्यादा काम करता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि अगर एक हमारे पास स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, तो उसमें जो गोपाल है वो 4 यूनिट काम करता है और उतनी ही देर में रवि सिर्फ 3 यूनिट काम ही कर पाता है। तो ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ, गोपाल हुआ। अब क्या होता है, जो वेज है दोनों को वो इतनी मिल रही है, कितनी मिल रही है, 3500, ठीक। अब 3500 में जो काम हुआ है उसमें गोपाल ने 4 यूनिट काम किया है और रवि ने 3 यूनिट काम किया है, तो टोटल काम कितना हो गया, 7 यूनिट। आप इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, 500। तो पर यूनिट क्या कहा, पर यूनिट 500 रुपए मिल रहे हैं, पर यूनिट के काम के लिए 500 रुपए मिल रहे हैं। तो गोपाल को इस हिसाब से 4 × 500 मिलने चाहिए, यानी कि 2000, और रवि को इस हिसाब से 3 × 500 मिलने चाहिए, यानी कि 1500। तो हमसे सवाल रवि के लिए ही किया गया है, तो हमारा आंसर है बी, ठीक है। उम्मीद समझ में आया होगा, काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है कि आप क्या करें, आप जो है इसमें एफिशिएंसी की बात करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है और टाइम होता है। ये 3 ही चीजें हैं, इन्हीं पे हमें ध्यान रखना होता है। अब ये कहता है कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो 5000 रुपीज है और ये अमाउंट 10000 बनता है 8 साल में। 8 ईयर्स में जो 5000 रुपीज थे वो 10000 बन जाते हैं। इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 5000 रुपए। 5000 कितने साल में, 8 साल में। अच्छा, 8 साल में 5000 इंटरेस्ट मिला, तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला, आप डिवाइड कर दीजिए। तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए वो क्या हो जाएगा, 625। सही कह रहा हूँ, हाँ सही कह रहा हूँ, ठीक है। ये 1 साल का हमारा इंटरेस्ट हो गया, 1 साल में 625 इंटरेस्ट मिल रहा है। हमसे पूछा गया है रेट, रेट। अच्छा, इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट मालूम पड़ गया, हाँ मालूम पड़ गया। क्या मुझे प्रिंसिपल दिया है, हाँ दिया हुआ है। रेट मुझे फाइंड आउट करना है, टाइम मैंने कितना देखा यहाँ पर, ये जो इंटरेस्ट था ये था फॉर 1 ईयर, तो टाइम भी है मेरे पास, अपॉन में 100 फॉर्मूला। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज 625, प्रिंसिपल 5000 इंटू रेट की बात की जाए फाइंड आउट करना है, टाइम मैंने 1 ईयर ले लिया था और यहाँ पे 100 चल रहा है। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 50 से इसको डिवाइड करने के लिए हम 625 अपॉन 50 करके रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। 5 से इसे काट दीजिए, 12.5 हमारा आंसर है, रेट इज 12.5%, ठीक है। एक रास्ता ये हुआ जिसमें हमने जो 1 साल का इंटरेस्ट है वो निकाल के क्वेश्चन, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 1 साल के इंटरेस्ट से ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को ले, जो कि टोटल जो टेन्योर था, जो भी ड्यूरेशन था उसके लिए, ठीक है। तो कितना था, हम कहें 5000 रुपीज आया था, हमने यहाँ पे देखा था कि 500 रुपीज प्रिंसिपल था और 10000 जो है वो अमाउंट बन गया था, तो 5000 रुपीज ही आपका इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल कितना था, वो भी 5000 रुपीज ही था और इसको ऐसा करने में कितने साल लग गए थे, 8 साल लग गए थे। रेट आपको फाइंड आउट करना है, अपॉन में 1000 तो रखना ही है भाई, तो फिर 5000 कट जाएगा, 8 से इसे काटोगे आपको 12.5 ही मिलेगा, तो रेट कितना बन जाएगा, 12.5। जो आपको सही लगे आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को नहीं लेंगे अभी, अगला सवाल हमारा सीरीज से आया है।
सीरीज जो हमें दी है बड़ी सुंदर दी हुई है और हमसे 12th टर्म पूछी हुई है। एक तो जब ये 12th टर्म और सीरीज इस तरह की आती है तो दिमाग में कुछ नया सा ना निकल के आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आप देखिए पहले सीरीज को देखिए, डिफरेंस क्या है। आप माइनस करोगे आपको डिफरेंस 6 दिखाई पड़ेगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे डिफरेंस कितना दिख रहा है? 6 दिखाई पड़ेगा। तो अगर आपको पता हो ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये आपकी एपी है, एपी में ये जो 6 है ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। और हम अगर इसकी बात करें तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, कितना? 358। ठीक है, अच्छा हमें 12 टर्म पूछी है तो मैं एन को 12 रख लूंगा और सीधा ए एन, जिसका फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता देता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में बी होता है, वो कर देंगे। तो ए की वैल्यू है 358, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 358। आपको एन की वैल्यू 12 दे रखी है, आपने माइनस वन किया और डिफरेंस हम देख ही चुके हैं कि थर्ड टर्म का 6 था। तो इसमें हमारे पास 358 प्लस 11 इंटू 6 कि 358 प्लस 66, तो अपना आंसर यहां बन जाता है बी। ठीक है, आपको इसमें इस थोड़ा फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो 6 है वो बार बार ऐड करना पड़ेगा 12 बार तक, फिर आपको आंसर मिल सकता है। और कोई मेथड इस तरह का यहाँ पर हमारे पास नहीं होगा इसका। ठीक है, या फिर आप एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, एक बार जरा इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप ये करें, पहले मैं जरा फिर से इस क्वेश्चन को लिख दूं, 364 370। क्या कर सकते हैं, इसकी पहली टर्म को ले लीजिए, ठीक है, इसकी पहली टर्म को ले लीजिए और पहली टर्म को लेकर उसे प्लस कर दीजिए किससे, जितने टर्म पूछी है उससे एक कम। दोबारा पूछी है तो 11 ले लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए जो यहां पर डिफरेंस था किससे, 6 से। जो फिर से बता देता हूं, जो आपको फर्स्ट टर्म सीरीज की दे रखी है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म है उससे एक कम वैल्यू लेकर जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक ये छोटी सी ट्रिक ध्यान रख सकते हैं। बट ध्यान रहे, ये ट्रिक सिर्फ तब काम आएगी जब जो डिफरेंस है वो सारी टर्म्स का सेम हो, जैसे कि यहाँ पर 6 और 6 आ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये चीज यूज नहीं कर सकते, फिर पैटर्न डिफरेंट होगा, मेथड डिफरेंट होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चंस है और यहाँ पर आपको ये बताना होता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, या दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। तो ये पहले स्टेटमेंट में क्या कह रही है, एन आइटम इज सोल्ड फॉर 145 एट अ लॉस ऑफ 20%, तो उसका कॉस्ट प्राइस 185 होगा। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं, अगर सोल्ड हुआ है 145 पर और बॉट किया था, यानी कॉस्ट प्राइस थी 185, तो लॉस कितना हो गया? 40 रुपए का हो गया। ठीक है, तो क्या 40 रुपीज 185 का 20% है? नहीं है भाई, 185 की अगर बात की जाए, 185 का 10% 18.5 होगा, सीधी सी बात है। तो फिर 20% 37 होगा और यहाँ तो हमारे 40 रुपए आ रहे हैं, तो पहली स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, अगली पे आते हैं, अगली देखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर इज 15.5। अब इसके लिए आपको छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी। देखो पहली बात तो नेचुरल नंबर्स 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, अभी तो हमसे कह रहा है कि पहले 30 चाहिए तो हम सारे तो ऐड कर नहीं सकते। तो जब भी आपसे एवरेज ऑफ एन नेचुरल नंबर्स कहा जाएगा तो आप ना क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, एन एन प्लस वन अपॉन में टू, आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। अब आपसे कहा कि आपको 30 नेचुरल नंबर चाहिए तो आप क्या करो, आप एन की वैल्यू को 30 पुट कर दो, तो यहां पर कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो ये आपका आ गया 30 × 31 / 2। ठीक है, तो हमने इससे इसे काटा तो 15.5 यहीं पर ही आ गया।
ठीक है, और ये सब हमारा पूरा बन जाता है। तो ये कितना आ रहा है, ये है 30 × 15.5। फिर से लिखते हैं 30 × 15.5। ये क्या है, ये सम है, यानी कि ये उन सारे नंबर्स का सम निकला। तो अगर आपको सम जो है वो 30 × 15.5 मिल गया है, तो एवरेज निकालने के लिए आप इस सम को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, यानी कि कितने से, 30 से डिवाइड करो, तो आपका आंसर बचता है सिर्फ 15.5। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अब इसके हिसाब से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, हमारा आंसर है डी। ठीक है, तो यहाँ पर बात बस ये ध्यान रखने की है, आप जरा से यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपसे कहा गया है 1 + 2 + 3 + 4, आपको इनका सम निकालना है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला जो एस एन होता है वो n n + 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे फिर ये कहा जाए कि भाई एवरेज निकाल के दो, तो एवरेज निकालने के लिए आप इसी फॉर्मूले में सिर्फ इतना सा कर दीजिए कि यहां डिवाइड में एक n और लगा दीजिए, तो आप सीधा आंसर निकालने के लिए n + 1/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात याद रहेगी तो आप सीधा इससे भी आंसर निकाल सकते हैं n + 1/2। देखो मैं आपको इसको पिछले क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाता हूं। हमारे पास में n की वैल्यू थी 30, ठीक है, हमारे पास में n की वैल्यू थी 30, तो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले में n को 30 पुट कर देता हूँ, +1/2 कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पर 31/2 मिलेगा, जो कि एक्चुअली 15.5 ही होता है। ठीक है, अब जब इतनी सी बात आपने मेरे से जान ही ली है, तो एक दो बातें और सुन लीजिए, आप एक काम आएंगी, अगर कल को आपसे कहा जाए कि 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी कि नेचुरल नंबर्स जो है उनके स्क्वायर्स का सम, तो इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है। इनका जो सम होता है वो n (n+1)(2n+1)/6 होता है, और फिर अगर एवरेज निकालनी है तो n से डिवाइड कर दीजिए, बस। ठीक है, और एक और चीज, अगर यहीं पर बस क्यूब लग जाए, ज्यादा नहीं होंगे, बस ये तीन ही बातें हैं जो बताने की थी, क्यूब लग जाए तो फॉर्मूला जो है वो इनफैक्ट याद करने के लिए काफी इजी है। क्यों है, बिकॉज ये तो आप ऊपर याद कर ही रहे हैं ना, यहाँ पर बस ये और याद कर लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर होता है, आप सम निकाल लेंगे, और एवरेज निकालेंगे तो हमेशा एन से ही डिवाइड करना है, एन से ही डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि द एंगल मेड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हाइल मूविंग फ्रॉम 3:45 PM to 6 PM। अच्छा, मिनट हैंड की बात हो रही है, तो मिनट हैंड 3:45 से 6 PM तक कितने डिग्रीज का एंगल बनाएगा। अब मिनट हैंड जो होता है वो एक आवर में जो है 360 का एंगल बना देता है। तो भाई अगर ऐसी ही बात है तो जरा ध्यान से सुनिए, जब 345 से 445 होगा तो 360 का एंगल बन चुका होगा, फिर 445 से जब 545 होगा तो 360 का एंगल और बन चुका होगा, और यहां से फिर 6 बजे। अब 545 से 6 बजने हैं तो सोच लीजिए आराम से, यहाँ पर 90 का एंगल और बन जाएगा, क्योंकि अगर ये हमारी जो है वॉच है तो 45 में जो मिनट हैंड है वो यहाँ 9 के ऊपर पॉइंट करता है, और 6 बजाने के लिए उसको 12 तक आना पड़ेगा, तो ये एंगल 90 का हो गया, तो एक 90 और इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 800। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था फटाफट से। अच्छा, अब हमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, और इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो पूछा हुआ है वो क्या कह रहा है कि भाई 4 बेल्स हैं और वो एक साथ बजना शुरू करती है, एक साथ रिंग करना शुरू करती है। ठीक है, लेकिन जो आपकी बेल्स हैं वो अलग अलग इंटरवल पे रिंग करती है। जो हमारी पहली बेल है वो 3 सेकंड के बाद रिंग करती है,
यानी कि पहले 3 सेकंड पर रिंग, 0 पर रिंग करेगी, फिर 3 पर रिंग करेगी, फिर 6 सेकंड पर रिंग करेगी, फिर 9 सेकंड पर रिंग करेगी। जो सेकंड बेल है वो 5 सेकंड के इंटरवल पे रिंग करती है, तो 5 पे, 15 पे, 20 पे, 10, 10, 15, 20 पे ऐसे रिंग करेगी। जो सी वाली है वो 7 सेकंड पर रिंग करती है और जो डी वाली है वो 10 सेकंड के डिफरेंस पर रिंग करती है। तो अगर किसी टाइम पर इन्होंने एक साथ रिंग किया और हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, तो अगली बार एक साथ कब रिंग करेंगी, कितने टाइम बाद रिंग करेंगी, ठीक है, इतनी सी बात करनी है। तो ऐसा जब भी आपसे सवाल किया जाए तो आप क्या करते हो, आप जितने भी नंबर्स दिए हैं उनका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है वो निकालना काफी ज्यादा इजी होता है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। बच्चों वाले तरीके से ही करेंगे इसको हम करने के लिए, हालांकि तरीका बहुत अच्छे अच्छे भी हैं हमारे पास, बट हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन काफी ईजी है। तो फिर आप 2 से करेंगे आपको 3, 5, 7 और 5 मिल जाएगा, 5 से कर देंगे 3 और 7 बच जाएगा, तो 3 और 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 × 5 × 3 × 7, तो 2 × 5 = 10 × 21 आपका आंसर है सी, बस और कुछ भी, ठीक है। तो इस केसेस में आप क्या करते हो, इस मैं क्यों कह रहा हूँ इन केसेस में, बिकॉज ये क्वेश्चन कई तरह से आता है। अभी ये आपसे कह रहा है कि ये टोल का इंटरवल निकालना है बेल के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका रेड लाइट के लिए भी आता है कि कुछ रेड लाइट्स हैं और वो इतने इतने इंटरवल पे बार बार जो है वो रेड होती है, तो अगर इन एट इनिशियल पॉइंट वो एक साथ रेड हुई थी तो नेक्स्ट टाइम एक साथ रेड कब। इस तरह क्वेश्चन आपको कई सारे मिलते हैं, ठीक है। मंदिर की घंटियां हैं ऐसे ऐसे करके बजती हैं, तो नेक्स्ट टाइम एक साथ कब बजेंगी, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो सब में बेटा आपको एलसीएम ही निकालना है,